आज जो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, जिसको हम चैन रूल से नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, जो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट सेकंड है, उसका प्रॉब्लम है। एक फर्स्ट ये है और सेकंड मैंने ये लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक। तो मैं दोनों को आज सॉल्व करूँगा। जैसे हमको फर्स्ट वाले में हमसे पूछा है कि टू प्रूव डेल यू बी अपॉन आर एस, आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू यू बी अपॉन एक्स वाई, कहने का मतलब अगर हमसे कोई प्रॉब्लम में आर एस की फॉर्म में दिया हो तो हमको उसको इंटरचेंज करके ऐसे करना है। तो मैं इसी को प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैं देखिए, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट, तो मैं लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेता हूँ, ठीक। तो हमारा दिया हुआ है डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक, ये दिया हुआ। तो अब हम इसको जब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में करेंगे, तो सबसे पहले चैन रूल में ऐसे एक लाइन जो है मैग्नीट्यूड का वो करेंगे। तो हम सबसे पहले जब हम डी यू अपॉन आर एस फिर एस, इस दो बार इसमें, तो डी यू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक। अब बी को आर एस में, फिर डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल वी अपॉन डेल एस, एक ये हो गया। दूसरा अब है कि जैसे हमारा ये आर एस, तो हमारा हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा, जब हम इसको, तो सबसे पहले हम जानते हैं, अभी तक पढ़ते भी आए हुए हैं, कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी मतलब एक बार इसकी इससे फिर इसकी इससे, ठीक। तो कहते हैं, जैसे लिखता हूँ मैं डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, ठीक, ये हो गया। अब मैं इसकी इससे करूँगा तो यह हो जाएगा हमारा डेल बी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस, जब हम इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, ठीक। अब ये जो दोनों हैं इसको इससे करना है, मतलब इसको इस फॉर्म इससे और इसको इससे, ठीक। तो वो आएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई, और जब हम इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल आर, और इधर हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई, फिर ऐसा मैग्नीट्यूड का। तो देखिए यहाँ पर ये जो है डेल आर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पर हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा, ठीक। और इधर तो डेल यू, कहने का मतलब ये दोनों में हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स बचा, और जो दूसरा है ये वाले में, इसमें हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई बचा। अब इसमें है डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक, और इसमें जो है इसमें हमको बचा डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। तो हमारा देखिए यही चीज़, हम इसको जो है ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक। तो ये हमारा जो है यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा था, ये कहने इसको प्रूव करने का मतलब ये था कि अगर हमारी कोई वैल्यू दी जाती, जैसे आर इक्वल दिया जाता हमको
कोस थीटा, ठीक। तो हम उसको इस अगर हमसे पूछा होता ये चीज़ तो हम उसको इंटरचेंज इसमें कर लेते और अपना प्रॉब्लम फिर सॉल्व करते, और इंटरचेंज करने के बाद वो चीज़ यही होता तो ये प्रूव हो गया, ठीक। अब दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे दूसरा ये हमारा कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड x y अपॉन आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन एक्स वाई, और ऑल्सो प्रूव दैट j इंटू j डैश इक्वल टू वन। इस ये देखिए, एक मैंने चैन रूल का वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जो j इंटू j डैश इक्वल टू वन प्रूव करा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप दे सकते हैं, चैन रूल से ही रिलेटेड वो है, ठीक। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन इसका करूँगा उसको आप देख लेंगे तो और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमसे दिया हुआ जैसे डेल एक्स वाई फाइंड, हमको यही चीज़ करना है डेल आर थीटा, ठीक। तो एक्स को जब हम कहने पहले मैं इसको लिख लूँगा तो डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, यहाँ डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब हमारा जो एक्स और वाई वाली वैल्यू दी हुई है, एक्स को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए जैसे हमारा ये है फर्स्ट कि एक्स को जो है हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोस थीटा बचेगा, ठीक। और जब एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब वाई में देखेंगे सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा आर कोस थीटा, ठीक। सिंपल कुछ नहीं किया है, अभी हमने जो हमारी वैल्यू एक्स और वाई की दी हुई है इसमें हमने डिफ्रेंसिएट कर दिया है इसकी इस फॉर्म में, ठीक। तो अब इसके बाद देखेंगे, तो इसके बाद जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, इस ब्रैकेट को हम नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हमारा बचेगा, तो यहाँ से जब हम आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये तो अब देखिए, यहाँ पर ये तो वन हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ वैल्यू ये देखनी है जो हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है पहले, अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। जब हम इसमें से हमारा ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, इसमें से जब हम एक्स वाई का फॉर्म में निकालेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम देखिए इसके कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वाई साइन की जगह। और जब हमको वाई अपॉन एक्स निकालना होगा तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, तो आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा जब हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, और जब हम थीटा निकालेंगे तो इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये दोनों हमको अभी काम लगेगा, तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये तो आर हो गया सिंपल, तो देखिए हम आर इक्वल टू लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। जब रूट हम हटा देंगे यहाँ से तो हमारा जो है x प्लस वाई ही बचेगा, ठीक। और जो एंड थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है टेन इनवर्स y अपॉन x, ये दोनों चीज़ इस वजह से निकाला गया है क्योंकि हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम का वो है, देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर हमको r थीटा x y के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, अब इधर हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स,
और ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक, तो अब देखिए अब क्या है, जो हमारा आर आर की वैल्यू क्या है, ये आई हुई है, और थीटा की वैल्यू क्या है, ये, इस वजह से हमने इस फॉर्म को हमको करना पड़ा। ठीक, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा मैंने इसका जो है डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि देखिए जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो है ये इन पहले हमारा जो है माइनस उसमें जाएगा, और ये यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही जब हम y का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको कर सकते के देखेंगे तो यही आएगा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक्स के में है तो ये इंटरचेंज होगा, तो माइनस आ जाएगा माइनस वाई, और यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी वो तो यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हमने जो हमारा थीटा है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये चीज़ आया। जब हम इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा 10x, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हमारा बचेगा। ठीक, और अभी हमने देखा था कि जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, r है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/r। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद सिंस जो हमारा प्रॉब्लम में पूछा है हमसे कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा इंटू डेल एक्स वाई, देखिए एंड का मतलब है, यहाँ पर प्रॉब्लम में एक चीज़ और देख लीजिए, जो एंड का मतलब है इसका मतलब इंटू। ठीक, तो यहाँ पर जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा क्या आया है, इसकी वैल्यू तो हमारी क्या है, आर बची है जो अभी ऊपर थी, ये हमारा क्या आया है, आर सिर्फ। ठीक, और इसकी जो है 1/r आई है जो अभी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू 1/r, तो ये हमारा क्या हो गया, 1। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा j, देखिए इसके मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारा j इंटू j डैश होगा वो भी 1 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया, इसको आप करेंगे तो यही आएगा, और जब थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही आएगा, और जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/ हमारा जो है यही बचेगा, 1/ x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1/r हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।